दोस्तों ये जो सामने आपको शानदार सा बंगला दिख रहा है, ये बंगला है बॉलीवुड के सबसे मशहूर विलन में से एक डैनी साहब का। तो आप लोगों ने फोटो देखकर पहचान गया होगा, तो वो उन्हीं का बंगला है और वो इसी में रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर विलन डैनी साहब के घर को। तो उनका घर मुंबई में कहां पर है, कैसा है, किस लोकेशन पे है, उनके घर का क्या नाम है और वो जो घर है वो कहां पर है, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी हम ना मुंबई के जुहू में है और आपको जो पीछे वो बिल्डिंग दिख रहा है वो रोहित शेट्टी का घर है, शेट्टी टावर। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे लिखा भी है, ब्लैक जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे। और अभी हम हैं महमूद चौक के पास, आप लोग देख सकते हैं हास्य कलाकार महमूद चौक के पास। और यहीं से डैनी साहब के घर के पास जाने वाला है, यहाँ से अंदर में ये जो रोड गया हुआ है ना, तो इसी रोड से अंदर में चलेंगे तो उनके घर के पास चले जाएंगे। तो चलिए उनके घर के पास पहुँचते हैं और डैनी साहब के घर को दिखाते हैं और उनके बारे में सारा जानकारी देते हैं। तो चलिए उनके घर के पास पहुँचते हैं और बताते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली वहाँ जो पीला बस आप लोगों को दिख रहा है वहीं से हम आए हैं और उसी के उस पार रोहित शेट्टी का घर था और यहाँ से सीधा आए हैं। तो इस तरफ आप लोग जाएंगे ना तो डैनी साहब के घर के पास चले जाएंगे। तो अभी हम चलेंगे और दिखाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक गेट है, लेकिन उसके आगे का जो गेट है ना वो डैनी साहब के बंगले का गेट होगा, ये गेट नहीं है। और दोस्तों इस बंगले के आसपास और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी का घर है, जैसे कि इसी रास्ते से वहाँ 100 मीटर की दूरी पर जाएंगे तो अमरीश पुरी साहब का घर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों और भी काफ़ी सारे सेलिब्रिटी का घर का वीडियो देखना चाहते तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इस रास्ते से चलते हैं और डैनी साहब के घर के पास पहुंचते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं डैनी साहब के बंगले के पास और ये इस बंगले का मेन गेट है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों डैनी साहब का ये जो बंगला है ये मुंबई के जुहू में स्थित है और इस बंगले का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों इस बंगले को दिखाया तो देखिए कितना शानदार ये पूरा बंगला दिख रहा है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली भी लगाया गया है। और दोस्तों डैनी साहब का ये जो बंगला है ये 3 मंजिल का है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों डैनी साहब ने का जो बंगला है वो वहाँ तक फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों डैनी साहब ने ना बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक मूवी में विलन का खतरनाक रोल निभाया है और जिसके कारण उन्हें बॉलीवुड में खलनायक के रूप में देखा जाता है और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खलनायक का सीन दिखाया है, जैसे धुंध, 36 घंटे, बारिश, धर्मात्मा, जियो और जीने दो, धर्म और कानून, फकीर, चोर मचाए शोर, देवता, कालीचरण, बुलंदी, अधिकार, जय हो, नाम, सवाना और मनिका, झांसी की रानी और भी काफ़ी सारे फिल्मों में इन्होंने काफ़ी शानदार विलन का रोल निभाया है। दोस्तों डैनी साहब असल ज़िंदगी में एक गायक, चित्रकार और लेखक और संगीतकार भी है। और दोस्तों इन्होंने फिल्म एंड टेलीविज़न संस्था में पढ़ाई की है, यानी कि उस संस्था के छात्र भी रह चुके हैं। दोस्तों डैनी साहब ने अभिनेता के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारा व्यवसाय भी किया है और उसमें वे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है, जैसे कि उन्होंने बियर का, उनके पास खुद का फैक्ट्री है और वे बियर का भी कारोबार करते हैं। और दोस्तों इनका जन्म 25 फरवरी 1948 को बौद्ध परिवार में सिक्किम में हुआ था और इनका जो पूरा नाम है वो शेयरिंग फिंसो डेंगोप्पा है और इनका उपनाम डैनी है, तो लोग इन्हें डैनी के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों डैनी साहब ने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत 1971 में रिलीज हुई फिल्म ज़रूरत से किए थे और उन्हें पहचान 1973 में आई फिल्म धुंध से मिला था और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उस समय से वे विलन का ही ज़्यादातर रोल निभाना शुरू कर दिए थे। दोस्तों डैनी साहब ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने नेपाली, तेलुगु, तमिल और भी काफ़ी सारे भाषाओं में फिल्म किए हैं। और दोस्तों डैनी साहब की कुल संपत्ति की बात करें यानी नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास 200 करोड़ की टोटल नेटवर्थ है और डैनी साहब के इस घर में के अंदर में न स्विमिंग पूल, पीछे गार्डन, यानी हर सुख सुविधा उपलब्ध है इस बंगले में उनके। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।